रामगंज मंडी के सुकेत क्षेत्र में भारत जोड़ो यात्रा आने से पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश, युवा नेता कन्हैया कुमार और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र विभाकर शास्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकार वार्ता में कन्हैया कुमार ने गुजरात चुनाव के अनुभव साझा किए। उन्होंने प्रधानमंत्री के रोड शो पर भी सवाल खड़े किए। एसटीएन रिपोर्टर मोडू राठौर के सवाल, सात राज्यों से यात्रा कर कांग्रेस शासित राज्य में यात्रा का अनुभव कैसा है? ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम ने कहा है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सड़कें जो है बदहाल है, जहां तक कि वहां की सरकार ने भारत जोड़ो यात्रा में खूब व्यवधान डाला है। राजस्थान में एंट्री होने पर पधारो हमारे देश के साथ स्वागत किया गया। वहीं कांग्रेस की ओर से एक वीडियो भी वार्ता में लॉन्च की गई है, जिसमें बीजेपी के लेकर महंगाई और बेरोजगारी पर उसे घेरा गया है। रामगंज मंडी के सुकेत क्षेत्र में भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के साथ दोपहर 3 बजे प्रवेश करेगी, जिसको लेकर सुकेत में तमाम तैयारियां हो चुकी है। अभी वर्तमान में यह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश और युवा नेता कन्हैया कुमार द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई, जिसमें बताया कि जिस प्रकार से 7 राज्यों से ये जो भारत जोड़ो यात्रा आई है, वहीं पर ही जहाँ जहाँ बीजेपी शासित प्रदेश थे, तो कई कठिनाइयों का सामना इस यात्रा ने किया है। और अब जब राजस्थान में ये यात्रा प्रवेश हुए 2 दिन हो चुके हैं, और इस यात्रा में उन्होंने बताया कि हमारे हमसे पधारो हमारे देश के स्लोगन के साथ में हमारा ऐसा भव्य स्वागत किया गया। और कहीं ना कहीं जो भाजपा शासित प्रदेश थे, वहाँ पर यहाँ के जो कांग्रेस के जो नेता थे, उन्होंने सड़क की बदहाली के बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया। मोडू राठौर, रामगंज मंडी।